हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस ट्रैवल टर्टल। होप यू आर ऑल वेल। सो गाइस, आज हम फर्स्ट टाइम हमारी न्यू गाड़ी में निकले जा रहे हैं और ये व्लॉग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये व्लॉग ना बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसका जो कंटेंट होगा वो हमारे पुराने वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। हम आज आपके साथ एक चैलेंज वीडियो भी बोल सकते हैं इसको, बट आज हम आपको अंडर 500 रुपीज़ में हम जो भी बेस्ट स्ट्रीट फूड खा सकते हैं वो हम आपका शेयर करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड। आज है तीज, तो चलते हैं 500 रुपीज़ में स्ट्रीट फूड खाने के लिए। कम विद अस। भाई मेरा भाई भी आया है लंच लेने के लिए। गाइस, हम लोग मुखर्जी नगर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम कमला नगर पहुंच जाएंगे और फिर वहां का स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। एंड वॉच इट, हम लोग कमला नगर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि शाम का टाइम है और कमला नगर में वैसे भी रश रहता है मार्केट में। लेकिन देखते हैं, बस हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़े से ट्रैफिक की वजह से डिले हो रहा है बस। तो गाइस, हमने गाड़ी अंदर लगा दी है पार्किंग में, आपको दिखाया हमने, और अब हम निकल गए हैं पेट पूजा करने के लिए। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेरे को मेन रीज़न ये भी लग रहा है कि आज हरियाली तीज है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, पर अभी कन्फ्यूजन वही चल रही है कि स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें। तो हमारा ये प्लान है, जो जो हमें दिखता रहेगा हम वो ट्राई करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। तो लेट्स सी हम पहले क्या खाते हैं। ये देखो भाई, भीड़ देखो यार, यहाँ पे जब भी आओ इतनी ही भीड़ रहती है। शाम को तो मेनली मेला ही लगा रहता है यहाँ पे। तो गाइस, हम एक स्ट्रीट में आए जहाँ पे है ये लाफिंग वाला। तो शीतल गई है, देखते हैं कुछ ना कुछ ऑर्डर करिए। क्या ऑर्डर करिए शीतल? बाय बाय लाफिंग। ट्राई करके देखते हैं बाय बाय लाफिंग। और नाम तो मेरे को कुछ अलग सा लग रहा है, लाफिंग वाई वाई लाफिंग क्या चीज़ है। तो ऐसे तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा, एक बार आने दो, आके देखते हैं, खा के देखते हैं। अरे और कितने पीछे हूँ, ठीक तो है, और आपको दिखाते हैं। तो एक बार दिखाइए शीतल, ये हमारा मेन्यू है यहाँ का, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आप देख सकते हो। अगर आप आस पास ही रहते हो तो आप ये सब चीज़ें ट्राई भी कर सकते हो। ये क्या है? वाई वाई लाफिंग है। तो हमने वाई वाई लाफिंग लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वाई वाई लाफिंग। और ये हमें पड़ा 60 का, तो अब हमारे पास बैलेंस बचा है 440। तुम भी गलत, मैं भी गलत, 440। तो अब देखते हैं 440 में और क्या खाएंगे हम। बाकी तुम खाओ, ये खाओ और बताओ कैसा लगा, क्या सीन है, समझ आया कुछ? आओ खा के देखो। ऋतिका ने खाया है, इसने तो अप्रूव कर दिया, मैं भी देखता हूँ। अलग है, खा के अच्छा लगा, ऊपर से सॉफ्ट अंदर से क्रिस्पी, अच्छा ट्राई कर सकते हो आप लोग। और जो नूडल्स होती है, मैगी होती है, वो ही है, तो ट्राई कर सकते हो, बढ़िया है। गाइस, वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि मोमोज ट्राई करें या बाउ ट्राई करें, वो हमने यहीं पे देखा, यहीं मिलेगा। और शायद एक पीस मिलेगा, दो पीस, एक आई थिंक टू पीसेस, दो या तीन पीस मिलते हैं, मेरे को भी नहीं पता। अभी अगर हम लेते हैं तो आपको दिखाएंगे, इतना बड़ा होता है और पूरा पनीर से स्टफ्ड होता है, ट्राई कर सकते हैं। तो चलो ले ही लेते हैं, अब इतना आपको बता दिया तो मोमोज अलग ट्राई कर लेंगे अगर मन करेगा तो। तो चलो अब बाउ का ऑर्डर देते हैं। अभी मेरे को लगा ये ना कोई खड़ा है, मैं इसको बोलने आता बाउ जी साइड होने जरा। गाइस, बाऊजी खत्म हो गए, तो अब हम कुछ और ट्राई करेंगे। वहाँ पे एक और बाऊजी खड़े थे ब्लैक टी शर्ट में, मतलब वो मैनी क्वीन था। और हाँ, वैसे पोपट तो हो रहा है क्योंकि एक जगह और गए थे, हमने अमृतसरी कुलचे खाने थे और वो हमें नहीं मिला, शॉप बंद थी। बहुत फेमस है यार, बहुत टेस्टी होते हैं स्टफ्ड अमृतसरी कुलचे, बहुत जगह से सुना है हमने वो। तो अब जो भी कहो, बाऊजी तो मिले नहीं हमें, हम अब बाऊजी के छोटे भाई, छोटे बाऊजी खाएंगे, जिसे हम कहते हैं मोमोज, तो पनीर मोमोज खाएंगे। मेरी तरफ से थम्स अप।
लाफिंग के लिए, और मैं अगर नेक्स्ट टाइम कमला नगर आऊँगी तो मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगी। तुम एक बार ट्राई करना, मैं जितनी बार भी आऊँगा एक दो बार, दो बार तो कम से कम ट्राई कर ही लूँगा। मतलब ये रीट्राई करने वाली डिश है। हाँ हाँ हाँ। तो एक और हमें दिख गया है सामने, पनीर तो नहीं, मोमोज वाला तो हम देखते हैं। मोमोज वाला भैया यहाँ पे मेरे बैक में, और ये इंसेंस के बिल्कुल ऑपोजिट में है। सामने इंसेंस है और उसके ऑपोजिट में ये मोमोज वाले भैया हैं। हम यहाँ के मोमोज ट्राई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे पनीर मोमोज ऑर्डर दिया, तो हम देखते हैं कि कैसा टेस्ट होगा इसका। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो हम और ऑर्डर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारे पनीर मोमोज बहुत टेस्टी लग रहे हैं गाइस, अब ट्राई करके देखते हैं और बताते हैं आपको ये कैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं नहीं, कैसे टेस्ट फील कर रहे हैं। लुक एंड फील भी थोड़ी सी अलग है इसकी, लुक एंड फील भी थोड़ी सी अलग है। मतलब नॉर्मली लोग मसाले वसाले डाल के नहीं देते, सिंपल मोमोज पकड़ा है, खा लो आपकी मर्जी, पर यहाँ पे कुछ अलग करके दिया हुआ है भैया ने, मेयोनीज ऊपर डाली है। अगर टेस्टी लगते हैं तो हम तंदूरी मोमोज भी खाएंगे। तो गाइस कमला नगर में आए तो लेमन सोडा नहीं दिया, अगर ऐसा कैसे हो सकता है तो लेमन के साथ साथ हमने नींबू पानी जलजीरा क्या ये क्या बनाया था लाइम सोडा ये भी बनवाया था, पी के देखा टेस्टी है। अब इसमें हमने कितने कितने पैसे ठोके, 60 रुपीज़। तो 60 रुपये हमारे इसमें लग गए, बहुत बढ़िया। 60 उसके लगे थे ना, 60, 30, 90 लग चुके हैं, और हमारे मोमोज जो थे वो भी 60 के ही आसपास हैं, बाकी मैं बताता हूँ। तो 90 अभी तक हम पूरे कर चुके हैं। ये हमारे तंदूरी मोमोज रेडी हो रहे हैं, मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, बाकी प्लेट में जब आएंगे तो दिखाऊंगा। दिस इज़ आ तंदूरी पनीर मोमोज, तो ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बाकी खा के बताते हैं आपको। खाओ बताओ कैसे हैं। हाँ वैसे अभी तो गर्म होंगे। तो कैसे लगे, क्या रिव्यू है, सही है? गाइस मोमोज और तंदूरी मोमोज की जो पेमेंट करी वो थी 110 रुपीज़, और पहले का बिल था हमारा 380 माइनस 110 इज 270 रुपीज़ हैं, तो 270 रुपये में देखते हैं अब हम क्या लेते हैं। बाकी बहुत टेस्टी था जो भी अभी तक आया है। अब हम आए हैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न पे, तो यहाँ पे इनको इन्होंने बोला, मतलब रितिका ने बोला कि इसके बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। नाचोस चाट खाने हैं, क्या खाना है मतलब मेरे को पता नहीं, जो तुम बोलोगे वो देख लो। नाचोस चाट भी है। और स्वीट कॉर्न भी ले रही है? नहीं स्वीट कॉर्न नहीं, अभी हम इनको रेगुलर खाते रहते हैं। अच्छा तो कुछ ट्विस्ट है कहानी में, स्वीट कॉर्न नहीं ले रहे, नाचोस चाट ले रहे हैं, तो अब देख लेते हैं कि ये कैसे बना रहे हैं नाचोस चाट और क्या बना रहे हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा डेकोरेशन के लिए साइड में भी, वाह दिखने में तो टेस्टी लग रहा है, खाने में भी टेस्टी लग रहा है। वैसे भैया कुछ डिज़ाइन ऐसा बना देंगे इस पर। तो गाइस ये देखो नाचोस चाट। टेस्टी लग रहा है तो बहुत ज़्यादा, कुछ डिफरेंट है, बहुत सही है यार, बहुत सही है। नाचोस सॉस का जो नाचोस प्लस सॉस का जो टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग है। ऊपर से नाचोस जो डाले हुए हैं बहुत क्रिस्पी, एक मस्त फ्लेवर, एक मस्त टेस्ट दे रहे हैं। तो गाइस यार इनके नाचोस चाट क्या अमेजिंग चाट है भाई, खा के मजा आ गया। नॉर्मल वाला कॉर्न होता है वो खाया था, बट आज हमने कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए ये ट्राई किया था। इट वाज अमेजिंग, मतलब 80 रुपए का पड़ा हमें ये,
तो अब हमारा जो बैलेंस हो गया है वो हो गया 190 रुपीज़, और जो हमने ट्राई किया वो बहुत अमेजिंग था, वैल्यू फॉर मनी था भाई, मज़ा आ गया। जहाँ से हमने अमेरिकन स्वीट कॉर्न खाए थे उसी के बिल्कुल अपोजिट में ही, बिल्कुल पास में ही पड़ता है, ये पास्ता वाले भैया बैठते हैं और मोमोज भी दे रहे हैं शायद, तो हमने सोचा इनके पास्ता ट्राई करें। तो ये जो पास्ता दे रहे हैं 40 रुपये का दे रहे हैं हाफ प्लेट, इनका पास्ता ट्राई करते हैं। जैसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास हाफ प्लेट पास्ता है, तो मैंने कहा भाई पैक कर दे, पैक नहीं सॉरी गिला दे, दिखा क्या तेरे पास सीन है, क्या इसका टेस्ट है, तो खाते हैं और आपको दिखाते भी हैं। हमने सोचा जब तक पास्ता बन रहा है हम कुछ सौंफ ले लेते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और इतना सब कुछ खा लिया तो ये मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ इनकी शॉप। तो आंटी के पास सारी सौंफ सब कुछ मिलेगा, जीरा वीरा इसमें ये और आम होता है ना, ये नहीं पसंद है। हा? अच्छा आम पापड़ भी है, आम पापड़ भी ले रही हो तुम, ले भी लिया, क्या लिया? मैंने लिया ये चांद सूरज जो बचपन में खाते थे, और एक लिया ये सौंफ। हमारा पास्ता रेडी हो गया, ये हमें पड़ा 40 का। तो गाइस हमने ले लिए थे जैसा कि अभी दिखाया आपको, अब खा के दिखाता हूँ क्या टेस्ट है, कैसा है। घर के जैसा टेस्ट है, अच्छा घर के जैसा टेस्ट है, इनकी स्पेशलिटी है। मतलब मैं किसी दिन और आके बना दिखाऊंगा आपको वीडियोस, अभी तो लेट आया तो इसीलिए भी थोड़ा एंड चल रहा है, मतलब बंद कर रहे हैं भैया, पर हाँ टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, और अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। गाइस वापस हम मॉल की पार्किंग में आ गए हैं, और अब हमारी कार आने वाली है, तो हम देख रहे हैं कि कहां से आएगी गाड़ी, अभी कुछ पता नहीं है, भैया ने कोई वो भी नहीं बताया कि ऐसी कौन सी लिफ्ट से आएगी, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस ये आ गई हमारी गाड़ी, मेरी हीरोइन आ गई। तो ये है चटकारा चांदनी चौक का, और हम यहाँ से खाने वाले हैं आइसक्रीम। वो वाली आइसक्रीम हमारे पास आ चुकी है, अभी खा के बताएंगे कि कैसी लग रही है। ये क्या 5 रुपए के अंदर आम की गुठली है ये बेटा, मैंगो फ्लेवर, बताओ तो कैसी लगी, टेस्टी खट्टी मीठी, क्या सीन लगा? अरे ज़्यादा ठंडी है, हाँ अंदर फ्लेवर डाला हुआ है आइसक्रीम, हाँ 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 बढ़िया है। चलो तो फिर मैं भी खाता हूँ गाइस। देखो ये कुछ रोलर वाली आइसक्रीम पहले सुनी सुनी है, मैंने खाई नहीं है, तो भैया बना रहे हैं पता नहीं किसी के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। पूरा टम्बलर है, इसके अंदर आइस भरी हुई है, और इस पर भाई लोग ये कुछ 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 जूसेस या कुछ कुछ डालते हैं, और वो देखो वो पूरी आइसक्रीम ऐसे बन रही है। ये क्या क्या फ्लेवर है भैया? ये रेडी हो चुका है। अच्छा पहले भैया ने ना रेडी कर रखा है, सारे फ्रूट्स हैं ना? अच्छा ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पूरा बना रखा है भैया, ये खुरच के पूरा बना दिए इन्होंने, ये देखो। तो गाइज इट्स ऑलरेडी 9:30, हमारा खाने पीने का आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे 500 रुपीज़ तो ख़त्म हो गए हैं, साथ में हमारा पेट भी भर गया है। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। टिल देन बी विद अस।